प्रिय विद्यार्थियों, गायत्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज अपन 12वीं की ज्योग्राफी में अध्याय 4 है, चौथा अध्याय है, विश्व की जनसंख्या संरचना, उसके बारे में चर्चा करेंगे। विगत क्लासों में अपने विश्व की जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि, जनसंख्या के सिद्धांत, उसके बारे में अध्ययन किया है। विश्व में जो जनसंख्या संरचना है, इन जनसंख्या संरचना या जो संगठन है, इसका अध्ययन विभिन्न घटकों के द्वारा किया जाता है, जिसमें आयु संरचना है, लिंगानुपात है, जनसंख्या संगठन है, साक्षरता है और व्यावसायिक संरचना है। तो इन घटकों के द्वारा जनसंख्या की संरचना की जाती है और किसी भी देश के प्रादेशिक नियोजन के लिए, योजना बनाने के लिए जनसंख्या की संरचना का यानी कि अध्ययन होना बहुत जरूरी है। और ये संरचना आयु के अनुसार या लिंगानुपात में या साक्षरता में या जनसंख्या के जो संगठन है उसकी दृष्टि से या व्यावसायिक दृष्टि से किस प्रकार है, उसी के आधार पर किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए या उनकी जो प्रादेशिक योजनाएं बनाई जाती है उनके लिए महत्वपूर्ण आधार माना गया है। तो मानव की जो सभी आर्थिक गतिविधियां हैं वो प्राकृतिक संसाधन और जनसंख्या से जुड़ी हुई है। जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ करता है, ये एक्टिविटीज़ प्राकृतिक संसाधन एवं जनसंख्या से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। और जनसंख्या की संरचना का अध्ययन किसी भी क्षेत्र के प्रादेशिक विकास नियोजन के लिए अधिक महत्वपूर्ण है होता है। जनसंख्या संरचना के अंतर्गत सामान्यतः आयु वर्ग है, स्त्री पुरुषों का लिंगानुपात जिसको स्त्री पुरुष अनुपात कहते हैं, व्यवसाय है, ग्रामीण नगरीय जनसंख्या जो जनसंख्या के संगठन है, साक्षरता आदि पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। विश्व स्तर पर उल्लेखित सभी पहलुओं में प्रादेशिक अंतर पाया जाता है। जनसंख्या संरचना और संगठन, जनसंख्या की संरचना या इसके संगठन या जनांकी की संरचना में आयु संरचना, लिंगानुपात, जनसंख्या संगठन, साक्षरता, व्यावसायिक संरचना जो इसके प्रमुख घटक होते हैं, तो उनमें से सबसे पहले अपन लेते हैं आयु संरचना। आयु संरचना का मतलब क्या होता है? आयु संरचना के अंतर्गत किसी देश या प्रदेश में पाए जाने वाले विभिन्न आयु के लोगों का उसकी आयु या उम्र के अनुसार वर्गों में रखकर अध्ययन करना आयु संरचना कहलाता है। यानी किसी भी प्रदेश या देश के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न आयु के लोगों का उसकी उम्र के अनुसार वर्गों में रखकर अध्ययन करना आयु संरचना कहलाता है। किसी भी देश की जनसंख्या को सामान्यतः 3 आयु वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें 0 से 14 वर्ष, 15 से 64 वर्ष और 65 वर्ष से ऊपर की आयु के होते हैं। और इनमें ये विभाजन जनसंख्या की आयु संरचना कहलाती है। तो मित्रों, ये हुआ कि आयु संरचना का मतलब है किसी भी देश या प्रदेश में पाए जाने वाले विभिन्न आयु के लोगों का उसकी आयु या उम्र के अनुसार वर्गों में रखकर उनका अध्ययन करना, जैसे 0 से 14 वर्ष है या
15 से 64 वर्ष या 65 वर्ष से अधिक। इस प्रकार का जो आयु के अनुसार तीन वर्गों में विभाजित किया गया है, इसे जनसंख्या की आयु संरचना कहलाती है। और वृद्ध जनसंख्या वर्ग है जो 65 वर्ष से ऊपर की जनसंख्या में आती है। किसी भी देश में कार्यशील जनसंख्या ज्ञात करने के लिए उस देश की जनसंख्या की आयु संरचना का अध्ययन आवश्यक है। अब किसी भी देश के अंदर कार्यशील जनसंख्या है, कार्यशील जनसंख्या जो 15 से 64 वर्ष के बीच में है, जो कार्यशील जनसंख्या होती है, और 0 से 14 वर्ष के बीच में है, ये यानी कि आश्रित जनसंख्या है, और वृद्ध जो 65 वर्ष से ऊपर है वो भी आश्रित जनसंख्या है। तो किसी भी देश के अंदर अगर कार्यशील जनसंख्या को ज्ञात करना है तो उसके लिए आयु संरचना का अध्ययन करना आवश्यक होगा। इस प्रकार के अध्ययन से कार्यशील व्यक्तियों की संख्या के बढ़ने या घटने का आभास भी होता है। यदि भी किसी भी देश में कार्यशील जनसंख्या घटती है तो इसका मतलब है कि उसका आर्थिक विकास भी प्रभावित हो सकता है। कुछ पश्चिमी देशों को छोड़कर अधिकांश देशों में आयु संबंधी आंकड़े इतने विश्वसनीय नहीं होते हैं, लेकिन पश्चिमी देशों में इसे आयु के अनुसार जो आयु संरचना है उसको विश्वसनीय माना जाता है कि कितने आश्रित जनसंख्या है और कितनी कार्यशील जनसंख्या है, उसमें कितने घटने या बढ़ने का जो आभास हुआ है उसका भी अध्ययन होता है। 2004 की जनसंख्या संरचना के वैश्विक आंकड़ों के अनुसार विश्व में 6.8% जनसंख्या वृद्ध जनसंख्या है। सर्वाधिक यूरोप में 14.6% है, उत्तरी अमेरिका में 12.5% है, अफ्रीका में 3.2% है, एशिया में भी 5.8% लोग हैं वो वृद्ध है। राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक वृद्धों की जनसंख्या वो जापान में, यानी जापान में कुल आयु उम्र के अनुसार जनसंख्या का 18.27% अनुपात वृद्ध जनसंख्या की श्रेणी में आता है। इसके बाद जर्मनी में 17.17 जनसंख्या वृद्धों की है, और फ्रांस में 16.21 है, ब्रिटेन में 15.9% है। तो जिस देश की जीवन प्रत्याशा अधिक होती है उस देश के अंदर वृद्ध जनों की जनसंख्या अधिक होती है। जैसे सबसे ज़्यादा वृद्ध है वो विश्व के अंदर जापान में है, उसके बाद जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन में है। अनेक अफ्रीकी देशों में भी ये 2 से 3% मध्य है, इथोपिया और सोमालिया जो प्रमुख है। और अफ्रीकी देशों के अंदर जन दर सर्वाधिक है, और इसीलिए छोटे उम्र की जनसंख्या अधिक है जबकि वृद्धों की जनसंख्या कम है, क्योंकि वो पिछड़े हुए देश हैं और उसमें बहुत सारी सुविधाओं की कमी है। विभिन्न बीमारियों की वजह से लोग है वो यानी कम उम्र में ही मृत्यु हो जाती है। यदि विश्व की प्रमुख जो आयु संरचना देशों की बात करें, जिसमें विकसित देश संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो ये 21 0 से 14 है वो 21.6 है, और 15 से 64 में 66.2% है, जबकि 65 वर्ष से अधिक है वो 12.2% है। और टोटल विकसित देशों में 0 से 18 वर्ष के आयु की लोगों की अनुपात है वो 18.3 है, और 15 से 64 वर्ष के बीच में 37.1 है, और 65 वर्ष से अधिक है वो 14.6 है। इसी प्रकार विकासशील देशों में 32.2% 0 से 14 वर्ष के बीच में है, 62.6% है वो 15 से 64 वर्ष के बीच में है, और 5.2% है वो 65 वर्ष से अधिक है। भारत के अंदर ये आंकड़ा 0 से 14 वर्ष के बीच का जो जनसंख्या का अनुपात है वो 33.3% है,
15 से 64 वर्ष के बीच में का अनुपात 61.6% है और 65 वर्ष से अधिक जो 15 से 64 है उनका भारत में जनसंख्या अनुपात 61.6 है, 65 वर्ष से अधिक जो वृद्धजन है वो 5.1% है। तो इस प्रकार ये जो जनसंख्या की आयु संरचना है वो विभिन्न देशों के अंदर इस प्रकार पाई जाती है। और अब विश्व में लगभग 35.2% जनसंख्या युवा वर्ग में है, यानी वो 15 से लेकर 64 वर्ष के मध्य है। इनमें सर्वाधिक युवा जनसंख्या की जो भूमिका है वो अफ्रीका महाद्वीप निभाता है। अफ्रीका में सर्वाधिक युवा वर्ग की जनसंख्या है जिसमें 44.71% है। और एशिया में ये दूसरा स्थान एशिया का है, एशिया में ये 33.6% है, जबकि उत्तरी अमेरिका में 22.51% और दक्षिणी अमेरिका में 41.5% युवा जनसंख्या रहती है। यूरोप में 17.5% से भी कम है। राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो जापान में 14.3% युवा जनसंख्या है, जर्मनी में 15.2, ब्रिटेन में 17.7, संयुक्त राज्य अमेरिका में 21.6% से भी कम यानी युवा जनसंख्या है, जबकि विकासशील देशों के अंदर युवाओं की जनसंख्या अधिक है। तो मित्रों, जहां जो विकसित देश हैं जैसे जर्मनी है, ब्रिटेन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, जापान है, इनमें युवाओं की जनसंख्या कम है क्योंकि इन देशों के अंदर जनदर कम है और जनसंख्या वृद्धि भी स्थिर बनी हुई है। ऐसी स्थिति में यानी जो जनसंख्या युवाओं की जनसंख्या है वो कम है। चाइना जैसे देशों के अंदर युवाओं की जनसंख्या कम होती रही है क्योंकि वहाँ वन चाइल्ड पॉलिसी चलाई गई, अधिक वर्षों से एक फैमिली के अंदर एक बच्चा पैदा करने की इजाज़त से चीन के अंदर वर्तमान समय में युवा जनसंख्या अनुपात घटने लगा है। इसीलिए चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी बदलकर टू चाइल्ड पॉलिसी लागू की है, यानी एक परिवार के अंदर अधिकतम दो बच्चे पैदा कर सकने की अनुमति है। तो इस प्रकार जिस देश के अंदर कार्यशील जनसंख्या युवा जनसंख्या है वो अधिक होती है वह देश श्रमिक दृष्टि से श्रमिक शक्ति से मजबूत होता है और आर्थिक विकास में भी उनका योगदान होता है। साथ ही साथ सामरिक दृष्टि से भी युवा जनसंख्या का बहुत बड़ा रोल होता है। यदि विकसित और विकासशील देशों के अंदर आयु समूह जनसंख्या का वितरण देखें तो विकसित देशों में जीरो से 14 वर्ष की जो जनसंख्या अनुपात है वो 26.7% है। विकसित देशों में 0 से 14 वर्ष की जनसंख्या 26.7 है। 15 से 64 वर्ष के बीच का अनुपात विकसित देशों में 63.7 है और 65 से अधिक है वो 9.6% है। विकासशील देशों में 0 से 14 वर्ष की आयु वर्ग है वो 40.8% है और 15 से 64 वर्ष के बीच में विकासशील देशों में 55.4 है और 65 वर्ष से अधिक जनसंख्या है वो यानी विकासशील देशों में 3.8% है। इस प्रकार विकासशील देशों में युवा जनसंख्या और विकसित देशों में प्रौढ़ और वृद्ध की जनसंख्या अधिक है और ये सब आयु संरचना के आधार पर ही ज्ञात किया है। इस प्रकार असंतुलित आयु संरचना के कारण देश की आर्थिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जिस देश की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है वहाँ बच्चों की संख्या अधिक है और जिस देश की जन्म दर बिल्कुल कम है वहाँ
यानी युवा और छोटे बच्चों की जनसंख्या है वो, यानी जिस देश के अंदर जन्म दर अधिक है वहाँ युवा और कम उम्र की लोगों की जनसंख्या अधिक है, जबकि विकसित देशों के अंदर जन्म दर कम है वहाँ युवा और यानी कम उम्र के बच्चों की जनसंख्या कम मानी गई है। तो इस प्रकार यदि अपन विश्व की आयु संरचना है, विश्व की आयु संरचना देखें तो आयु संरचना के अंतर्गत 2015 के जो ये आंकड़े आए हैं उन 2015 के आंकड़ों के अनुसार 0 से 14 वर्ष है, ये जो 0 से 14 वर्ष है इनमें टोटल यानी कि 25.44% जनसंख्या है। 2015 के अनुसार विश्व की विकसित देश और विकसित दोनों देशों की जो आयु संरचना है उसको देखें तो 0 से 14 वर्ष तक यानी 25.44% जनसंख्या है, और 15 से 24 वर्ष के मध्य जो जनसंख्या का अनुपात है वो 16.16% है, यानी 15 से 64 वर्ष के बीच में जनसंख्या का अनुपात 16.16% है, और 15 से यानी 24 वर्ष के बीच में 16.16% है, और 15 से 54 वर्ष के बीच में देखें, 15 से 54 वर्ष के बीच में तो इनमें सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, यानी जनसंख्या का जो अनुपात है वो 41.12% है, यानी विश्व में सर्वाधिक जो जनसंख्या है, सर्वाधिक जनसंख्या का अनुपात है वो 15 से 54 वर्ष के बीच में है, और 15 से 54 वर्ष के बीच का जो जनसंख्या का अनुपात है वो 41.12% है, यानी सर्वाधिक जनसंख्या यहाँ पाई जाती है 15 से 54 वर्ष के बीच में। इसके बाद में 55 से 64 वर्ष के बीच में जो जनसंख्या का अनुपात है विश्व के अंदर वो 8.60% है, और 65 से अधिक जो वृद्ध जन है उनका अनुपात है वो 8.68% है। तो इस प्रकार विश्व का जो आयु संरचना है उसमें अलग अलग आयु वर्ग की यानी कि जो जनसंख्या है वो अलग अलग अनुपातों के अंदर पाई जाती है, और इस आयु संरचना से ही जनसंख्या के का नियोजन या किसी देश की आर्थिक विकास के नियोजन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विश्व स्तर पर पाए जाने वाले इन तीन आयु वर्गों की विशेषता को देखें तो विश्व की कुल जनसंख्या का 35% युवा वर्ग है। विश्व की जो जन आयु संरचना है उसको तीन कैटेगरी में जो बांटा है उसमें 0 से 14 वर्ष, 15 से 64 वर्ष और 65 वर्ष से अधिक। इनकी अगर विशेषताएं देखें तो विश्व की कुल जनसंख्या का 35% युवा वर्ग है और जो 0 से 14 वर्ष आयु से संबंधित है, और विश्व स्तर पर इसमें प्रादेशिक विभिन्नताएं भी पाई जाती है। विकसित देशों में ये 18.3 है और विकासशील देशों में ये 32.2% जनसंख्या 0 से 14 वर्ष आयु वर्ग में पाई जाती है। जिन देशों के अंदर जन्म दर उच्च है वहाँ इस वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है, यानी 0 से 14 वर्ष के बीच का जनसंख्या का अनुपात अधिक है, जैसे नाइजीरिया या इथोपिया जो अफ्रीकन राष्ट्र है, घाना है, तो इनमें जन्म दर अधिक होने के कारण यहाँ 0 से 14 वर्ष की जनसंख्या का अनुपात अधिक पाया जाता है। प्रौढ़ आयु वर्ग है जो दूसरा है, उस दूसरे वर्ग में रखा गया है, ये जनसंख्या के दूसरे वर्गों से अधिक है और इस वर्ग की जनसंख्या प्रजननशील, आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादक और जनांकी दृष्टि से सबसे गतिशील होती है, यानी कि 15 से 64 वर्ष के बीच की जो जनसंख्या है वो
यानी कि जनसंख्या की प्रजननशीलता कहलाती है। इसी आयु वर्ग के अंदर ज़्यादातर यानी कि जनसंख्या बढ़ती है या प्रजनन होता है, जन्म दर भी इसी में ही बढ़ती है। और एक यानी कि परिवार के अंदर जो बच्चे पैदा करने की जो आयु है वो 15 से 64 वर्ष के बीच में है, इसीलिए प्रजननशील आयु वर्ग कहते हैं। और आर्थिक दृष्टि से उत्पादक होती है, किसी भी देश के अंदर जो कार्यशील जनसंख्या होती है वो 15 से 64 वर्ष के बीच की होती है, इसीलिए उस देश के आर्थिक उत्पादन में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है और ये गतिशील भी होती है। किसी भी देश का विकास इस जनसंख्या वर्ग से सीधे संबंधित होता है। और जो तीसरा वर्ग है जिसको वृद्ध आयु वर्ग कहते हैं, ऐसे देशों में अधिक पाया जाता है जहाँ जनांकीय विकास क्रम पूरा कर लिया है, यानी जिन देशों ने जो जनांकीय संक्रमण का जो सिद्धांत है उसके अनुसार वो चौथे या पांचवे अवस्था में पहुंच गए हैं, वहाँ वृद्धों की जनसंख्या अधिक पाई जाती है। जैसे जापान है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, इन देशों में 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक पाई जाती है। और जिन देशों के अंदर प्रौढ़ आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है उस देश का आर्थिक विकास भी उतना ही अधिक होता है, और आर्थिक विकास में प्रौढ़ आयु वर्ग का महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि यही जनसंख्या आर्थिक उत्पादों में योगदान देती है। अब लिंगानुपात है दूसरा इसका घटक, उसका अध्ययन अपन कल करेंगे।